मैं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। स्वच्छकार समाज की आवाज में आप सब तमाम मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय कायत जी, पूर्व वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा हरियाणा में और वर्तमान में प्रोफेसर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। मुझे सर इसलिए इस बात का भी ज्यादा गर्व है कि जिस विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं उस विद्यालय की मैं विद्यार्थी भी रही हूँ। तो तमाम मेरे दर्शकों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे टीचर एक तरह से आज मेरे साथ हैं और बहुत सारी चीजें हमारे और ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से कारगिल में शहीद हुए हमारी सेना के जो नौजवान हैं उनको मेरा शत शत नमन है। हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि हमारी सेना हमारे नौजवान सीमा पर तैनात होकर जागते हैं, इसलिए हमारा भारत सुरक्षित है और हम सब भारत के नागरिक सुरक्षित है। उन तमाम शहीदों की माताओं को पत्नियों को भी मैं नमन करती हूँ जिन्होंने कारगिल की युद्ध में कारगिल की लड़ाई में अपने पुत्रों को पतियों को भाइयों को खो दिया था। मैं सच सच नमन करती हूँ नौजवानों को, मैं सैल्यूट करती हूँ। दूसरी चर्चा जो आज हम करना चाहते हैं वो ये कि आज ही के दिन 1902 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने नेशनल सोशल जस्टिस डे के रूप में जो आज हम मना रहे हैं उनकी 146वीं जन्म शताब्दी है। मैं छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्म शताब्दी की आप सबको मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सब जानते हैं कि आज के दिन छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने अपने कार्य जो उनका क्षेत्र था कोल्हापुर उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी आज के दिन इम्प्लीमेंट की थी 1902 में। फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा और उसके बाद अखबार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो निकालना चाहते थे उस अखबार के निकालने में भी छत्रपति साहू जी महाराज ने मदद की। मैं ऐसे हमारे महापुरुष हमारे जो पुरखे जिन्होंने समाज के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया सोशल जस्टिस को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान शाहू जी महाराज का तमाम हमारे पुरखों का है। स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से मैं उन सब तमाम पुरखों का और आज क्योंकि जन्म शताब्दी छत्रपति शाहू जी महाराज की है उनको मैं नमन करती हूँ। सर मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी और आपके बातचीत करने से पहले मैं मेरे दोस्तों को तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि आज गुरु और शिष्य एक तरह से आमने सामने हैं। आमने सामने अच्छी वाली बात में मैंने एमफिल आपकी यूनिवर्सिटी से किया सर, तब आप प्रोफेसर थे एमडी यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए भी मैं बहुत आप सब समझ सकते हैं टीचर के सामने स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है, तो इसलिए मैं नहीं आज कोई भी बात करूंगी सर, आपको ही बात करनी है। हमारे जो नौजवान हैं खासकर स्वच्छकार समाज के लोग हैं वो आपको एक आदर्श की तरह देखते हैं, आप उनके लिए प्रेरणा है और हमारे समाज के तमाम लोग जिनको हम चर्चा में भी लेते हैं सर स्वच्छकार समाज जिनके साथ बातचीत करता है वो लोग शामिल हैं जो समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे SC ST वर्ग के लोग वाइस चांसलर बने, प्रोफेसर हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, उद्योगपति हों, तमाम जीवन के जो क्षेत्र हैं इस देश में हमारा उतना ही हक और अधिकार है जितना कि दूसरों का है, तो इसलिए हमें उन पदों पर भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ मिलने के लाइन में है। ऐसे में ये केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है कि आप वाइस चांसलर रहे हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की, बल्कि ये स्वच्छकार समाज की उपलब्धि है। ये गौरवान्वित हम हुए हैं। आपकी व्यक्तिगत तो उपलब्धि है ही, लेकिन समाज का वो वर्ग जो कभी झाड़ू लगाता है कभी तमाम काम करता है, ऐसे में एक हायर एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े ऊंचे पद तक पहुंचना अपने आप में एक गर्वशाली क्षण महसूस होता है। सर मैं इस पे बात करूँ अनुभवों पे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपकी सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं जो सुन रहे हैं, जो हमारे तमाम मित्र हैं जो आज फेसबुक पे आपकी लाइव देख रहे हैं, आपको हमारा यूट्यूब चैनल स्वच्छकार समाज की आवाज उसमें आपको लाइव देख रहे हैं, वो जान सके कि आपकी सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। उससे पहले सर मैं चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तमाम दर्शकों को भी मैं
जैबिन बोलती हूँ, स्वागत करती हूँ अभिनंदन का। जी सर। देखिए डॉक्टर कौशल पंवार जी, बहन जी, ये हमारे लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे यहाँ देश के अंदर सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा, जिसको लेकर के रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन जो स्कीम है, वो आज के दिन, जैसा आपने बताया अपने वक्तव्य में अभी, वो लॉन्च की गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी। और वो सदियों से जो वंचित समाज, पीड़ित समाज, दलित समाज या अनटचेबल समाज हमारे देश में रहा है, जिससे हम लोग आते हैं, मैं आता हूं, जिससे हम और आप सभी आते हैं, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, जिससे पीड़ित रहे हैं, जिस अनटचेबिलिटी से, जिस जाति व्यवस्था से, जिस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली जाति व्यवस्था से और अनटचेबिलिटी से, उससे हमें जो अधिकारों से वंचित रखा गया था, और खासकर संसाधनों में, रिजर्वेशन पॉलिसी में, आज के दिन वो रास्ते हमारे लिए खुले थे। तो आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इसमें मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले तमाम दर्शकों को, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, आपको और आपके मैनेजमेंट कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले। मैं आपका समाज की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से, देश की तरफ से बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये फैला रही है, उनके बाद, उनके आगे आने की बात, ओवरऑल कहें तो उनके इमेंसिपेशन की बात, उनके एमिल्योरेशन की बात, ये इससे बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है हमारे राष्ट्र को, हमारी मानव जाति को, हमारे समाज को ओवरऑल। और ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा चलाए गए जो मिशन का था, उसी मिशन को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल को, तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। और इसी से मैं अपनी बात आज शुरू करना चाहूंगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि किसी भी व्यक्ति की, जो चाहे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऊंचे पदों पर जाने की बात हो, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, चाहे वो सिविल सर्वेंट बनने की बात है, चाहे पॉलिटिशियन बनने की बात है, ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जो वंचित समाज है हमारा, जिससे हम लोग आते हैं, उनकी प्रगति के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी इमेंसिपेशन के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश काल के अंदर ही, आजादी से पहले ही, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये उसी की परिणति है, उसी का परिणाम है। जो उन्होंने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, उन्होंने उससे समझौता किया कांग्रेस और गांधी जी के अनशन के कारण, और उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो लेकर के आए, जो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हमारे को सर्विसेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, सभी जगह हमारे समाजों को जो हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाई, उसी का परिणाम है कि हम लोग सभी क्षेत्रों में आज हम लोग आगे आ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे आ रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे साइंटिस्ट हों, या समाज के तमाम व्यवस्था के तमाम जो दूसरे पद हैं, उनमें सब लोग हम आ रहे हैं। तो ये केवल मेरी उपलब्धि नहीं है, ये ठीक है, हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उसमें भी हम लोग जो है ना कि बहुत संघर्षों से हम लोग आए हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हम इसका श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देना चाहेंगे और तमाम उनकी योगदान को और सरकार को देना चाहेंगे, सिस्टम को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें हिस्सेदारी प्रदान की और सुनिश्चित की, तो उसको ये श्रेय जाता, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के और संविधान को, जो उन्होंने संविधान में ये सब व्यवस्थाएं रखी, जो प्रावधान रखे रिजर्वेशन के, उसके कारण हम लोग यहाँ आ पाए, तो उन सबको श्रेय है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और मैं इसको एंडोर्स करता हूं, मैं इससे सहमति व्यक्त करता हूं। थैंक यू सर। जी 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 सर। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, देखिए कैसे पढ़ाई की और वाइस चांसलर पद तक पहुंचे। हाँ, मैं जो है एक, आप कहिए कि भाई वंचित समाज से हम लोग आते हैं, और अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जातियों में जिन्हें रखा गया है,
ये बात सही है कि मैं स्वच्छ कार समाज का ही हम लोग हिस्सा हैं, उसी में अलग अलग ब्रांचेज हैं, हम उसमें आते हैं। ओवरऑल जो है हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर मेरा जन्म हुआ है और मैं एक दलित समाज में होने के बावजूद भी, दलित में भी, वंचित में भी, मजदूर समाज से आता हूँ। मजदूर, मेरे परिवार की बैकग्राउंड जो है वो मजदूर परिवार से है। हमारे फादर मदर सब हम लोग, पुराने बुजुर्ग हमारे सब लोग श्रमिक वर्ग में आते हैं, मजदूर आते हैं। वैसे तो हम लोग जो है ना कि वीवर कम्युनिटी से हैं, बुनकर समाज से हैं, धानुक समाज से, धानक समाज कह सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल ये भी स्वच्छकार समाज का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। पूरे देश में अनेक जगहों पर हम लोग जो ना कि स्वच्छकार समाज से जुड़े हुए हैं, उसका हिस्सा रहे हैं हम लोग। हम लोग मजदूर परिवार से, मैं स्वयं भी आपको बताऊं कि बचपन में हम लोग जो ना कि मजदूरी में जाते रहे हैं, पिताजी के साथ, माताजी के साथ, और हर तरह की मजदूरियां की हैं। शिक्षा के साथ साथ सरकारी स्कूलों में हम लोग पढ़े, और किसी अच्छी, हमारे हायर एजुकेशन में किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। सरकारी स्कूलों के अंदर जो उस समय आप ये कहिए थे तख्ती फट्टी वाले स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते, 10 पैसे की जो फीस होती थी, उससे हम लोग पढ़ करके आए हैं। सरकारी सरकारी जो शिक्षा तंत्र है उसी में हम लोग आए, और उसी में सरकारी स्कूल से होते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मेरी शिक्षा जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ही हुई है, और वहीं से मैंने हायर एजुकेशन भी ली है। और मैंने यूनिवर्सिटी में जो है एमफिल, जब मुझे याद है कि मैंने अनटचेबिलिटी पे एमफिल की थी, इट्स एमर्जेंट, इट्स डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। और उसी तरह से समाज, भारत में जो सोशल चेंज आए हैं, जो सोशल ऑर्डर है, सोशल स्ट्रक्चर है भारत का, समाज जो भारतीय समाज है, उसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन द सेंस के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उस सोशल इंस्टीट्यूशंस में चाहे वो अनटचेबिलिटी है, जो कास्ट है, वो अर्न स्कीम है, या फैमिली है, अनटचेबिलिटी है, स्टेटस ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया है, तो ओवरऑल जो समाज के अंदर स्लेवरी है, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को मैंने स्टडी किया था, और उस पर मेरी बुक भी है एंशिएंट इंडियन सोसाइटी पे, कंटिन्यूटी एंड चेंज को लेकर के। इसके अलावा हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर एक दलित समाज के अग्रदूत हुए फ्रीडम फाइटर स्वामी आत्मानंद जी, उस पर भी मैंने काम किया है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे मैंने काम किया है, उनके कामों पे, उनके रिसर्च पे, उनके कंट्रीब्यूशन पे, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे चेयर है, शोध पीठ है डॉक्टर अंबेडकर चेयर, उस पर भी मुझे काम करने का अवसर रहा है। उस पर मैं प्रोफेसर इंचार्ज रहा हूँ, उसमें चेयरमैन रहा हूँ मैं लंबे अरसे तक, 3-4 साल तक। वाइस चांसलर बनने से पहले मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में मैं रिसर्च में आया। मुझे याद है कि हमारे टाइम में जब पीएचडी में मेरा एडमिशन हुआ तो रिजर्वेशन नहीं थी, ये जनरल सीट पे हम लोग आए, तो एमफिल में, क्योंकि मेरी मैरिट थी, एमफिल में मैं अपने बैच का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसी का फायदा हमें मिला कि रिजर्वेशन न होकर के जनरल सीट पे हम लोग आए। और फिर बाद में जो है कि हमने संगठन बनाया हरियाणा के अंदर, और रिजर्वेशन में जो टीचिंग पोस्ट हैं, टीचिंग की जो पोस्ट हैं, शिक्षक की जो पोस्ट हैं हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में, उसमें हम लोग रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करवाने में सफल रहे। संघर्ष रहा, एक संगठन बनाया हम लोगों ने, और उसमें हम सक्रिय होकर के, और फिर बाद में टीचिंग रिजर्वेशन इन टीचिंग जो पोस्ट है यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस में, उसमें हम लोग आए। तो उसी के अंतर्गत 1993 में मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चरर के पद पर यहाँ महर्षि दयानंद में यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आया। फिर बाद में एक प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत हम लोग रीडर बने, प्रोफेसर बने, और प्रोफेसर बनकर के हम लोग फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो चेयर है इस पे काम करने का अवसर मिला, और वहीं से फिर मैं 2016 दिसंबर में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। और उस समय के गवर्नर साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो है कि मुझे माननीय मनोहर लाल जी, ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मैं वाइस चांसलर के पद तक भी गया। और उसके बाद वापस जब मेरी टर्म खत्म हुई, तो टर्म मेरी जब 3 साल की थी, तो वापस मैं लास्ट दिसंबर 2019 में मैंने फिर से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ज्वाइन की। आजकल मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ही एक प्रोफेसर के पद पर
फिर से मैं काम कर रहा हूँ, मैं सेवाएं दे रहा हूँ विश्वविद्यालय को। सर लोग आज आपको सफल एक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, प्रोफेसर विजय कायत वाइस चांसलर और अभी प्रोफेसर, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर, स्टूडेंट में काम करते हुए स्ट्रगल, तो इसके पीछे बहुत सारी जाहिर सी बातें मेहनत होगी, बहुत सारी चीजें की प्रेरणा भी होंगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारा जो समाज है इस समाज को कोई भी थाली में परोस के कभी नहीं देता, जो भी जितने भी पद पे होगा जाहिर सी बात है वो बिना संघर्ष के वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। हम जिस समाज से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, एक सामान्य से परिवार से आने वाला छोटा सा हरियाणा के रोहतक का व्यक्ति, और काम करते करते फिर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तक का सफर कैसे बना सर? देखिए मैं इसमें ना एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक तो परिवार का योगदान जी। और परिवार के साथ साथ में व्यक्ति का जो इंटरनल स्ट्रगल होता है, उसकी जो समझ होती है, वो कहीं ना कहीं उसको आगे लेके जाती है। मैं आपको बताऊं कि मैंने तमाम तरह की मजदूरियां की, उसके साथ साथ में 17 साल का था। बीच में सर निवेदन कर रही हूं, क्या टीचिंग में ही जाना था शुरू से ही? नहीं नहीं, टीचिंग का तो बाद में आया, टीचिंग का स्टेज में बाद में आया। दरअसल क्या था कि मैं 17 साल का था मैं, तो मैंने 11th क्लास पास की थी, तो 12वीं क्लास में जब मैं आया तो मुझे ये था कि मुझे अपना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को चलाने के लिए मजदूरियां मैं कब तक करता रहूंगा, चाहे वो सड़कों पे काम करना था, श्रमिक था, मंडियों में अनाज मंडी में काम करते थे हम लोग, और कई जगह काम करते थे, पंजाब की मंडियों में जाकर के मदर के साथ काम करते रहे, सड़कों पे काम करते रहे। तो ये था कि मैंने 18 साल की उम्र में मैंने एक स्कूल बनाया था, आज भी वो स्कूल चल रहा है, तब मैं स्टूडेंट ही था, 11th क्लास मैंने पास की थी, तो उपकार हाई स्कूल के नाम से आज भी रोहतक में वो स्कूल है, हाई स्कूल, हजारों बच्चे इसमें से पढ़ लिख करके निकले हैं। तो ये था, इवनिंग कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, दिन में कोई ना कोई काम करना होता था अपना रोजगार चलाने के लिए, अपना लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रोजगार स्थायी नहीं था, कोई परमानेंट काम नहीं था। तो उस स्कूल से धीरे धीरे हम आगे बढ़े, और जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में एक तरह से मैं पहली बार जब 11th क्लास में आया तो एक हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन होती थी हर साल कॉलेज के अंदर, इवनिंग कॉलेज में जी जी। और उसमें क्या हुआ कि एक इंसिडेंट ये हुआ, इंसिडेंट कि एक प्रोफेसर जो है ना, उसमें जो गाउन पहने हुए थे वो रेड गाउन पहने हुए थे, तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये रेड गाउन इन्होंने क्यों पहना है, तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने पीएचडी की है। तो तभी से मेरा एक सपना हो गया कि मुझे भी एक दिन पीएचडी करनी है, और फिर साथ साथ में क्या हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरर लगना है, मुझे भी कॉलेज में लेक्चर ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त करके, ताकि मैं भी अपने आप को एक ऊंचे पायदान पर, ऊंचे आयाम पर स्थापित कर सकूं, और अपने भाइयों को, अपने समाज के लोगों को उसमें उसमें दिशा दे सकूं। तो मैं अपने समाज का हरियाणा में आसपास में, मुझे याद है मैं पहला ऐसा स्कॉलर था जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी के अंदर हम लोग आए और पीएचडी में एडमिशन हुआ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल उस समय के एस खन्ना होते थे कॉलेज के, वो मेरे आदर्श थे, वो मुझे लेकर गए। जब मैं पढ़ता था तो हर साल लगभग फर्स्ट सेकंड हम लोग कॉलेज में आते थे रिजल्ट्स के अंदर, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे लेके गए कि तुझे जो है कि एमए करनी है, एमफिल करनी है, पीएचडी करनी है। तो साथ साथ में हमारे टीचर्स का सपोर्ट हमें बहुत मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब कॉलेज लाइफ में ही था तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टडी बुक्स को मैं स्टडी करने लग गया था, और जहां जहां एट्रोसिटीज होती थी हमारे समाजों पर, क्योंकि हमारे समाजों पर हरियाणा में एट्रोसिटीज बहुत रही हैं, जाति को लेकर के, अस्पृश्यता को लेकर के, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा रहा एक्टिविस्ट के नाते। चाहे वो आप देखें कि यहाँ हरियाणा के अंदर दुलीना कांड हुआ, या गोहाना कांड हुआ, हरसोला कांड हुआ, और रोहतक में घूगड़ कांड था। बहुत जब हम बचपन में ही, हम जब बच्चों के साथ, हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटीज होती थी, तथा कथित उच्च जातियों के लोग हमारे गांव में हमारी बहनों के साथ, हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटीज करते, अत्याचार करते थे, तो जहां कहीं भी ऐसे अवसर होते थे तो स्टूडेंट होने के नाते मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था। तो अंदर से एक ये था कि भाई कैसे मुक्ति हम अपने समाज को दिलवाएं, दलित समाज, हम लोग वंचित समाज है, हमारे साथ गाँव में, शहर में, चाहे वो स्लम एरिया है, हम लोग तो स्लम में पैदा हुए, स्लम्स में ही हम लोग रहे मलिन बस्तियों के अंदर, और वहीं से एट्रोसिटीज को लेकर के हम लोग लड़ते रहे।
तो समय समय पर सामाजिक संगठनों में हम लोगों ने काम किया। सामाजिक चेतना मंच एक संगठन मैंने खुद बनाया, उसमें हम लोग काम करे। फिर दलित चेतना मंच हम लोगों ने बनाया, उसके साथ साथ हम लोग उस यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजों में भी हमारे बच्चों के साथ से एट्रोसिटीज होती थी, उनको एडमिशन नहीं मिलना, उनको स्कॉलरशिप न मिलना, और बहन बेटियों के साथ जो गांव में देहात में जो एट्रोसिटीज होती थी। अभी आपको ध्यान होगा हरियाणा के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ था, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे ऐसे कांड हुए। और जैसे दिल्ली में भी कई बार गोहाना बस्ती के अंदर कांड हुआ था, अभी गोहाना पूरी बस्ती हमारी लोग हमारे समाज की जलाई गई थी, तो हम लोग एट्रोसिटीज में पार्टिसिपेट करते थे कि उनका मुकाबला करें और उनसे मुक्ति दिलवाएं। मुकाबले का मतलब ये है कि हम न्याय न्याय प्राप्त कर सके, सरकार के समक्ष, स्टेट गवर्नमेंट के समेत, एडमिनिस्ट्रेशन के समेत अपनी बात रख सके, और जो एट्रोसिटीज करते हैं, जुल्म करते हैं, उनसे अपने समाजों की मुक्ति। तो ये बाबा साहब डॉक्टर पानी देना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टडीज हैं, जो उन्होंने लिखा कि इनका इमेंसिपेशन कैसे हो, एट्रोसिटीज के साथ साथ एट्रोसिटीज में पार्टिसिपेट करना, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक्टिविस्ट के तौर पे रहना, ये सब चीजें हमें आगे लेकर आई। और ये था कि हम संघर्ष करें, जो बाबा साहब का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये सारे काम हम लोगों ने अपनाए। शिक्षित हमें ये था कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए बगैर हम अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे व्यवस्था के अंदर, संघर्ष किए बगैर हमें कदम कदम पे संघर्ष करना पड़ेगा। मैं खुद ही इस बात का भुक्त भोगी हूं कि जब जब हम लोग एडमिशन लेते थे, चाहे वो पीएचडी में एडमिशन का सवाल था, या यूनिवर्सिटी में पोस्ट लेने का सवाल था, अपॉइंटमेंट में सवाल था, रिजर्वेशन की पोस्टें हैं हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हमें कदम कदम पे संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं स्वयं उस संघर्ष का भोगी रहा हूँ, संघर्ष का के अंदर पार्टिसिपेट हम लोग करते रहे हैं, और यही कारण है कि हम लोग आगे आए, आगे निकल करके आए। ये कारण थे इसमें, ये मैं कहना चाहूंगा इस विषय पर। अब मैं आपको विशेष तौर पे एक बात कहना चाहूंगा, ये बात सच है कि आज भी जाति प्रथा, जाति व्यवस्था कम जरूर हुई है, अनटचेबिलिटी कम जरूर हुई है, लेकिन वो अभी भी विद्यमान है। फिजिकल अनटचेबिलिटी कम हुई है, लेकिन मेंटल अनटचेबिलिटी आज भी है समाज में, जाति व्यवस्था आज भी है, उसका स्वरूप बदल रहा है, वो कम हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि वो समाप्त हो गई है। हमारे लोगों को, चाहे वो किसी पद पर भी हम लोग आए, हम लोग डिपार्टमेंट में, हम लोग हमारे साथ जो होने के पीछे, सामने से नहीं पीछे से हमारे साथ वह व्यवहार होता है, वो शैबी ट्रीटमेंट होता है हमारे सामने से, चाहे हम कितने बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन तथा कथित उच्च जातियों के लोग कुछ उसमें सुधार है, बहुत सारे कम करने लगे हैं, अनटचेबिलिटी कम हुई है, लेकिन आज भी पीछे से उनके दिमागों के अंदर कुछ लोगों में आज भी अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है, और वो पीछे से हमारे साथ जो है ना कि वो नफरत का व्यवहार, वो दृष्टिकोण आज भी उनमें है। तो उसके लिए हमें, चाहे कोई हम किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे सर्विस के क्षेत्र में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है हम लोग, चाहे समाज के अंदर गांव में देहात में हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम छोटे मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, हम हर तरह से हमें उन वंचनाओं का सामना करना पड़ता है, हमें वो अनटचेबिलिटी का की पीड़ा को आज भी कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ता है, और उसके लिए हमें आज भी कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की जरूरत है सामाजिक आंदोलन की जरूरत आने की जरूरत, और उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपका जैसे चैनल है, आपका जो संगठन है, और बहुत सारे संगठन हैं, वो देश में, प्रदेश में, बस्तियों में, समाज में, हर जगह काम कर रहे हैं। सरकारें भी आज आगे आई हैं, सरकारें भी काम कर रही हैं, हरियाणा के अंदर ही देखिए आप, देश के अंदर देखिए, जब से ये सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार, जब से कहिए हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की एबल लीडरशिप के अंदर जब से सरकार बनी है, तब से बहुत कम हो गई है एट्रोसिटीज हरियाणा के अंदर। मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में जो एट्रोसिटीज थी, जो जुल्म थे, जो अत्याचार थे, वो काफी कम हुए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुए।
आप ये नहीं कह सकते वो समाप्त हो गए, उसमें कम काफी हो गए हैं, काफी कम हो गए हैं। अब देखिए पहले जैसे एट्रोसिटीज नहीं हो रही हैं। जी सर, मैं एक चीज ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि विद इन कास्ट के अंदर भी कास्टिज्म है? हाँ, इसमें आवाज नहीं आ रही है, एक्सक्यूज मी एक मिनट। जी अब आ रही है साहब? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट रेड वाला जो है उसको। हाँ जी, अब हाँ अब ठीक है सर। जी आवाज आपकी कुछ खुला हुआ है क्या रूम में? मोबाइल इसी को चला रही है। हाँ, आवाज गूंज रही है कह रहे हैं। पहले ठीक आ रही थी आवाज? हाँ ठीक आने लगी थी, लेकिन ठीक है अब ठीक है आवाज तो सर, बिल्कुल ठीक है आवाज, लेकिन थोड़ी सी वो कुछ बंद कर दीजिए कुछ चल रहा हो तो। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी, मैं सर ये जानना चाह रही थी कि आपका तो फील्ड भी रहा है, काम भी करते रहे हैं आप, ना केवल एक एकेडमिशियन बट यू आर ए सोशल एक्टिविस्ट आल्सो। सर विद इन कास्ट के अंदर भी कास्टिज्म कुछ लगता है आपको है, जो बार बार लोग उठाते हैं आवाज कि कास्ट के अंदर भी कास्टिज्म है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ये बात सही कह रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि भारत में जाति व्यवस्था जो है ये पूरी दुनिया के अंदर भारत में ही एक है और यूनिक है ये। इसके अंदर क्या है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, थियोरी सुनी होगी। भारत में जाति के आधार पर असमानताएं हैं, जाति में जाति, जाति के अंदर जाति, ये बात बिल्कुल सही है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को भी अपनी स्टडीज के अंदर कहते रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति की नॉलेज, उसका स्टेटस, उसकी पोजीशन कास्ट से डिसाइड होती है, और कास्ट में भी किस कास्ट का है वो उससे डिसाइड होती है। हमारे यहाँ क्या है कि हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जातियों में, जातियों के अनुरूप जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था उसमें क्या हुआ है कि कुछ लोग या कुछ पर्टिकुलर कास्ट जो है वो आगे आ गई हैं और दूसरी जो जातियां हैं वो कुछ पिछड़ गई हैं। इसीलिए कास्ट के अंदर कुछ जातियां ऊपर आ गई हैं, उनका उनका सोशल स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कंपैरेटिवली जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट अमंग शेड्यूल कास्ट है या अमंग बैकवर्ड कास्ट है, बीसीज में, एससीज में, एसटीज में, है ना, एक तरह से दो तीन तरह के ग्रुप्स बन गए हैं। तो आप ये देखिए कि जातियों में भी कुछ जो लॉइन शेयर ले गए हैं रिजर्वेशन का, वो अपर कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में भी अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट में भी अपर कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी अपर ऊपर का वर्ग हो गया है, और उसमें भी उनका जो स्टेटस है वो उनसे जो उनके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए थी, जो 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 जो, जो उनके प्रति सामाजिक समानता का जो दृष्टिकोण रहना चाहिए था वो नहीं है। अब आप ये देखिए, हम हरियाणा में नहीं पूरे देश में बहुत सारी शेड्यूल्ड कास्ट में, बैकवर्ड कास्ट के अंदर ऐसी जातियां आ गई हैं जो आज आरक्षण के अधिकारों में पिछड़ गई हैं, आरक्षण में भी पिछड़ गई हैं, चाहे वो सर्विसेज में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, उनका हिस्सा बहुत पीछे है और कुछ कास्ट बहुत एडवांस हो गई है, आगे चली गई है। इस बात को लेकर के रिजर्वेशन में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को लेकर के देश में अलग अलग हिस्सों में इस बात के लिए वो संघर्षरत है। आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भी पंजाब के पैटर्न पर शेड्यूल्ड कास्ट में रिजर्वेशन को बाइफरकेट किया गया था। पहले ये 1975-76 में पंजाब में किया गया
और अब हरियाणा में किया गया था। अब हरियाणा में भी रिजर्वेशन को दो हिस्सों में बांटा गया, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के तहत, और बाद में ये दूसरे स्टेट्स में भी आवाज उठने लगी, राजस्थान, ये आप देखिए कि बिहार के अंदर महादलित का कॉन्सेप्ट आया, आंध्र प्रदेश के अंदर ये आया और हरियाणा यूपी में आया, हरियाणा में आया, बाद में जो है कि अभी हरियाणा में फिर से ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस पेंडिंग है। हरियाणा के अंदर जो अति वंचित जातियां हैं, अति दलित है, ज्यादा मोस्ट बैकवर्ड अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको ए वर्ग में ए ब्लॉक के अंदर प्लेस किया गया, देयर 36 कास्ट अमंग शेड्यूल्ड कास्ट। तो जो फॉरवर्ड कास्ट है अमंग शेड्यूल्ड कास्ट और जो बैकवर्ड कास्ट है अमंग शेड्यूल्ड कास्ट, उनको हरियाणा सरकार ने अब फिर से शिक्षा के क्षेत्र में उनको अलग से रिजर्वेशन प्रदान की है। अब की बार उनको जो एडमिशन है हायर एजुकेशन में कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको फिर से ये रिजर्वेशन मिलने शुरू होगी। जॉब्स में नहीं दिया अभी हरियाणा में, जॉब्स में, नौकरियों में नहीं, नौकरियों में नहीं है अभी। मेरे जमाने में मैंने जब एमफिल किया था तब ए और सी था, 2000 हरियाणा में था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंड है, अभी वहां डिसाइड होना है। तो लेकिन हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में जरूर जो है ना ए और बी या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है वो फिर से किया गया है हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी की सरकार ने फिर से एक नया एक्ट वो लेकर आए हैं, एक्ट बनाया है और अभी रिसेंटली उसको चैलेंज भी किया गया था हरियाणा हाई कोर्ट में, लेकिन हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको एडमिट नहीं किया, उसको समाप्त। बट सर व्हाई नॉट इन जॉब्स, जॉब पूरा परिवर्तन करते हैं सोसाइटी को। देखिए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रही है। पहले एक ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र में हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट की 5-judge bench ने उसको समाप्त किया था, उन्होंने कहा कि ये संविधान के विरुद्ध है। लेकिन उसमें क्या है कि दोबारा से कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील किया है, अपील में वो लार्जर बेंच में भेजा गया है, पहले वो 5-judge bench का फैसला था, अब लार्जर बेंच 7-judge bench में गया है वो, तो वहां उसको सुनना है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद वो पेंडिंग है अभी, जैसा फैसला आएगा फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। सर मैं जानना चाह रही हूँ कि इस फैसले के ऊपर, खासकर ए और बी या क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन करना या ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया, दे आर गिविंग द मोर रिजर्वेशन टू अंडर द अंडर डिप्राइड सेक्शन ऑफ द दलित्स और एससी अमंग दलित्स। बट सर ये बार बार निकल के आ रहा है बाहर, और भी लोग सवाल उठाते हैं इसके ऊपर कि इससे ओवरऑल रिजर्वेशन के ऊपर एक कुठाराघात है गवर्नमेंट के द्वारा या एक खास वर्ग के द्वारा, खास वर्ग जो हमेशा एक तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि रिजर्वेशन के कैटेगराइजेशन के माध्यम से दलितों को एकता को तोड़ा जा सके, मतलब उनको उनको अलग अलग किया जा सके। दूसरी चीज सर की बार बार ये भी उठ के आता है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिनिधित्व का सवाल था उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक 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 तरह से उसकी अवहेलना है, एक एक खास सोच ये निकल के आते हैं जिससे ये जो खाई है सर ए और बी कैटेगरी के बीच में विद इन एससी, जो एक पहले कंपटीशन था, कंपटीशन तक ठीक था, ठीक है, अच्छी बात है, कंपटीशन के हिसाब से आप और आगे निकलिए, लेकिन कंपटीशन वो एक अलग तरह की खाई में बदला, जिसको जिसको एकदम मतलब एक तरह से कहा तो लड़ना चाहिए ओवरऑल रिजर्वेशन को गेन करने के लिए, कहा हम लड़ने लगे कि जो रिजर्वेशन दिया हुआ है उसी के बीच में बंटवारे में, तो ये उभर के आ रहा है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो यही है जो लोग पिछड़ गए हैं, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं, उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान संविधान में दिया गया है, और रिजर्वेशन में भी जो लोग ज्यादा बैकवर्ड हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड अमंग शेड्यूल कास्ट, इधर अमंग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस, जब तक उनको आप आगे नहीं लाएंगे, जब तक उनका ड्यू शेयर नहीं देंगे, तब तक वो आगे आ नहीं पाएंगे। ये
इसको जो लोग आलोचना करते हैं इसकी, उनको इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और जो लोग जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं उनको, दूसरे भाइयों को, अपने दूसरे भाइयों को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन देने का प्रावधान इसीलिए किया गया था कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो हजारों सालों से शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या सर्विसेज में, नौकरियों में, आय के संसाधनों से जो लोग पिछड़ गए थे, उनको उनका ड्यू शेयर दिया जाए, और ये एक प्रकार से उनको आगे लाने के लिए, उनको फॉरवर्ड करने के लिए, उनको उनको उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ये प्रोविजन किया गया था। तो ये प्रोविजन ठीक है। इससे मैं आपको बताऊं, इसी से, इस रिजर्वेशन पॉलिसी से ही लाखों परिवार दलित समाज में, पिछड़े समाज में, अति पिछड़े समाज में, ट्राइबल समाज के अंदर, आदिवासी समाज में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जो आगे आ गई है, वो लोग निरंतर आगे आ रहे हैं, उनकी उनकी आर्थिक स्थिति बदल रही है, वो समाज के विकास की धारा के अंदर जो मेन स्ट्रीम है उसमें आगे आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसको हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं। जो समाज के भाई पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको उनका ड्यू शेयर देना चाहिए, और वो दिया जा रहा है। इसका इसके पीछे मंशा यही है जी, संवेदनशील तरीके से सोचने की जरूरत है। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खुद कहा था कि इकट्ठे हो, संगठित हो, तो संगठन भी तभी बनेगा, संगठित भी हम तभी होंगे जब हम एक रिजर्वेशन एक बिल्कुल सही पैमाना है, रिजर्वेशन सही तरीका है, एक एक वे है, एक वे आउट है कि इन तबकों को, गरीब तबकों को ऊंचा कैसे उठाया जाए, उनको आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, ओवरऑल उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और मेन स्ट्रीम में, समाज की धारा, मुख्य धारा में उनको लाया जाए, ताकि समाज के जो ऊंचे के तबके हैं, जो अपलिफ्टेड सोसाइटी है, जो समाज का अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके साथ वो आ सके, और उसमें आ भी रहे हैं वो। अब ये देखिए, रिजर्वेशन ने क्या किया है, जाति व्यवस्था को भी समाप्त कर रही है। जो लोग शिक्षा में ऊंचे आ जाते हैं, नौकरियों में आ जाते हैं, उनके अच्छे घर बन जाते हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आगे आकर के जो जो निचला तबका है समाज का, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उससे वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इससे जातियां भी समाप्त हो रही, जातियां कम हो रही है, सेक्शन जो है उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। जब अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो कास्ट से, लोअर कास्ट से निकल करके वो ऊपर सेक्शन में जा रही है, समाज के ऊंचे ऊंचे वर्ग में जा, उनका कन्वर्जन हो रहा है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे समाज के अंदर जो जाति के प्रति जो भावना थी, निम्न जाति होने के कारण, वो समाप्त हो रही है। इससे आप देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होने के आज जो अच्छी सर्विसेज में आ गए हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो, उनके इंटर डाइनिंग हो रही है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्री के अंदर, ऑफिस में, आज उनका जो होने के खाना खान पान पड़ गया है उनके साथ, वो उस तरह का जो अनटचेबिलिटी का जो दृष्टिकोण था, छुआछात का दृष्टिकोण था, वो कम हो रहा है। इन तबकों से, समाज के इन दलित, वंचित, अति दलित, अति वंचित तबकों से जो बच्चे या जो परिवार उभर गए हैं, उनका समाज में सभी स्वर्ण जातियों समाजों के साथ उनका उठ बैठ, उनका खान पान, यहाँ तक कि इंटरकास्ट मैरिजेस, ये सब पॉसिबल हो रहा है। जातिवाद के आंदोलन की तरफ भी बढ़ रहा है, इससे इससे जाति व्यवस्था भी समाप्त हो रही है, अनटचेबिलिटी समाप्त हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। इसको सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चर्चा को देख रहे हैं, जो लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, और लगातार कह रहे हैं कि ए वाले कभी संघर्ष नहीं करते, वो हमेशा मतलब मलाई चाटने के फिराक में रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सोचने की जरूरत है कि हमें संवेदनशीलता अपनानी चाहिए ऐसे तब। देखिए मैडम, देखिए ए ब्लॉक हो या बी ब्लॉक हो, गरीब आदमी वहां भी है। ए में ऐसा नहीं है कि ए वर्ग में सभी, ए ब्लॉक के अंदर सभी लोग, सभी परिवार संपन्न हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उनमें भी बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो गरीब हैं, आज भी वो अपने बच्चों को मेहनत करके, मजदूरी करके ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ सेक्शन, कुछ परिवार उनसे ऊपर उभर गए हैं। हमारे बी क्लास में भी, बी वर्ग में भी कुछ परिवार पर आगे आ गए हैं, आगे आ रहे हैं। तो लेकिन जो उनकी विकास की जो प्रक्रिया है, जो संख्या है, वो यहाँ जो ए ब्लॉक में है वो कम है, उनकी ऊपर उभरने की, उनकी उनकी जो संख्या फैमिलीज की। लेकिन गरीब आदमी वहां भी है, वहां भी उनको चाहिए।
मैं तो कहूंगा इसमें शोषण पे कैसा है सर, शोषण पे सभी को चाहिए। मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाह रही हूँ कि प्रोफेसर विजय काजी वाइस चांसलर बने, उस वो दौर और आज का 2020 का दौर, कितना फासला सर हायर एजुकेशन में हमारे शेड्यूल कास्ट का बड़ा है। देखिए हायर एजुकेशन में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर आजादी के बाद से ही हायर एजुकेशन में सभी सरकारों ने विशेष तौर पर हायर एजुकेशन को इम्प्रूव किया है। आज ये देखिए कि हमारे देश में लगभग 800 यूनिवर्सिटीज हैं और जिसमें बहुत सारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं पूरे देश के अंदर। और इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होने से वंचित समाज के, दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के, है ना, और आदिवासी समाज के लाखों लाखों बच्चे जो है ना के उनके परिवार, उनको उच्च शिक्षा में एक तरह से अधिकार मिले हैं, उच्च शिक्षा में अवसर मिले हैं, और लाखों परिवार यूनिवर्सिटीज के माध्यम से उनके बच्चों को माध्यम से उच्च शिक्षा में आए हैं। आप ये देखिए हरियाणा के अंदर ही लगभग 55 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा के अंदर, इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और 472 कॉलेज हैं। हाँ, एक हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो ये करीब करीब 55 यूनिवर्सिटीज आज हरियाणा में छोटे से स्टेट के अंदर। तो सरकारों का बड़ा योगदान रहा है और इससे क्या है कि एक्सेसिबिलिटी जो है वंचित समाज के, दलित समाज के विद्यार्थियों के लिए, बेटियों के लिए, उनके बालकों के लिए एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी जो होने के वो हो पाई है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, वो 21 के करीब है, 21:1 है, और हरियाणा के अंदर ये 25 है। हरियाणा में एजुकेशन जो है ना, हायर एजुकेशन की तुलना अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो बेहतर स्थिति में है हरियाणा। और हरियाणा सरकार ने, आप देखेंगे कि ये एक्सेसिबिलिटी बढ़े, नीचे तक जाए, सभी तबकों को, सभी समाजों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए हरियाणा की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं सरकार की इसमें अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उनको उनका धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि वो एक स्कीम लेकर के आए कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होना चाहिए, और उसी के तहत इस सरकार में, खासकर लड़कियों की एजुकेशन में, गर्ल्स एजुकेशन में, आज के दिन हरियाणा के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। हरियाणा के अंदर आप ये देखिए, मैं अगर आपको आंकड़ा बताना चाहूं तो ये काफी अच्छी संख्या में है। और हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड, हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट बालकों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। और इसके तहत वो क्या करते हैं, कॉलेज जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज में वो रीएम्बर्स करते हैं फीस। हरियाणा में 20,000 रुपए तक की फीस जो है ना वो रीएम्बर्स करते हैं, या एक्चुअल फीस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में 40,000 रुपए तक की फीस जो है गवर्नमेंट रीएम्बर्स करती है। और इससे क्या है कि बहुत सारे बालकों को, विद्यार्थियों को जो शेड्यूल्ड कास्ट परिवारों से आते हैं, अनुसूचित जाति परिवारों से आते हैं, उनको शिक्षा के अवसर मिले हैं और हायर एजुकेशन में वो आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में एक एक इसका एक दूसरा पहलू भी है। हरियाणा में गरीबी की वजह से दलित समाज के बच्चे, है ना, और महिलाएं, बेटियां, वो आज भी उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। हरियाणा सरकार अवसर दे रही है लेकिन ड्रॉप आउट रेट है, तो ये ड्रॉप आउट रेट को रोकना होगा। वो हायर एजुकेशन में ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो गरीबी के कारण, नौकरी ना होने के कारण, रोजगार ना होने के कारण, मजदूर होने के कारण वो शिक्षा को छोड़ देते हैं, उच्च शिक्षा में ऊपर तक डिग्री अटेन नहीं कर पाते, ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज जरूर है। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो है ना कि कॉलेजेस खोलने में, उनको अपॉर्चुनिटीज देने में, शिक्षा प्रदान करने में, वो सरकार का बहुत ही सकारात्मक और सही पहलू रहा है, उनका काफी तारीफ के काबिल ये पहलू रहा है ये हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर। कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ सवालों को लेते हैं सर। समकड़ी से शिवाजी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रवि अठवाल जी, कविता शर्मा जी लगातार सुन रही है, जितेंद्र धूले, सुकुमार नारायण, प्रोफेसर सुकुमार सर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और जयभीम बोल रहे हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेज सिंह भाटी जी, संतोष कुमार जी, तेज सिंह भाटी जी लिख रहे हैं, जाति के नाम पर ऊंच नीच छोटा बड़ा भारत की तरक्की में सबसे बड़ा अवरोध है, जातिवाद देश के लिए कलंक है। कुछ कहना चाहेंगे सर इस पे?
तो है ही कि कास्ट है ही कलंक देश के लिए, और जितना जल्दी वो खत्म हो उतना जल्दी आप भी इसी बात से सहमत होंगे। अब बाबूलाल जी कह रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव चर्चा है, और राहुल कुमार जी आपसे जानना चाह रहे हैं सर, प्लीज डिस्कशन ऑन द फ्यूचर रोड मैप टू इम्प्रूव अवर सोसाइटी कंडीशंस, फ्यूचर रोड मैप। एक्चुअली राहुल जी मैं सर से लास्ट वाला सवाल यही पूछना चाह रही थी, लेकिन आपने तमाम जो कहा है कि लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सारे जितने टॉपिक्स हैं इन पे हर एक दिन एक एक दिन चर्चा चाहिए। इतने कम समय में आप रोड मैप भी जानना चाह रहे हैं तमाम लोग पहलुओं पे, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है नहीं, फिर भी सर आप रिस्पॉन्ड अगर करना चाहें। देखिए, जाति और जातिगत मानसिकता आज भी हमारे देश के विकास में, बहुत सारे करोड़ों परिवारों के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक भारत में सामाजिक क्रांति नहीं होगी, सामाजिक चेतना नहीं आएगी और जाति की मानसिकता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक समाज के जितने भी वंचित तबके हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ट्राइबल समाज हैं, उनकी बहन बेटियां हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनको वो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा बाबा साहब ने रखी है वो नहीं मिलेगी, सामाजिक न्याय उनको नहीं मिलेगा जब तक। और आज भी देहात के अंदर, खासकर गांव में, ग्रामीण अंचल में, शहर के अंदर भी जो स्लम बस्तियां हैं, कॉलेज में देखिए आप, यूनिवर्सिटीज में देखिए, स्कूलों में देखिए, आज भी उत्पीड़न जाति के आधार पर होता है। ये अलग बात है कि आज एक्ट ऐसे बन गए हैं, SST एक्ट आ गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, आज इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के कारण जो है कि हमारे समाजों का, दलित समाज, वंचित समाज के वोट बैंक बहुत अच्छा है, इसलिए सरकारें जो है कि पार्टियां जो हैं वो इस बात का ध्यान रखती है कि उनको, उनके भी हमें वोट लेने हैं सरकार बनाने के लिए, इसलिए ये लेकिन जाति व्यवस्था आज भी है समाज में। जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इन तबकों का विकास, इनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और इसके लिए संविधान में सारे प्रोविजन दिए गए हैं, संविधान को मूल भावना में इम्प्लीमेंट करना होगा। और जहां जहां कहीं भी ऐसी एट्रोसिटीज होती हैं, सामाजिक संगठन हमारे लोग आते हैं, सरकार भी आती है, सरकार को इसमें एक्टिव रहने की जरूरत है और संगठनों को जो होना है एक्टिव रहने की जरूरत है। आज भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की जरूरत है, सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, एक सामाजिक पुनर्जागरण की जरूरत है, जो बाबा साहब भी जिस पर प्रभाव डालते रहे, बाबा साहब जिस पर बहुत एम्फेसिस करते रहे, उसकी जरूरत है। यस, समाज में सामाजिक जाति व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत है और वो हो रही है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। सर डॉक्टर मुकेश बैरवा जी यूनिवर्सिटी के, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा। थैंक यू डॉक्टर मुकेश जी। सर नरेंद्र सिंह लिखते हैं, उससे पहले जब हम विद इन रिजर्वेशन, विद इन कास्टिज्म की बात कर रहे थे, उसके ऊपर उनका प्रश्न है, कहते हैं यू आर राइट सर, बट टूडे सिचुएशन इज क्वाइट चेंज, गवर्नमेंट जॉब हैव बीन फिनिश्ड एंड वी डू नॉट हैव चांस टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन हैज बीन मेड meaningless today, education system is being converted into the private sector, how the youth of SCST will succeed in this atmosphere, I also want to discuss on yes, that you are right, dekhi reservation private sector mein reservation nahi hai aur public sector ke andar reservation di gayi thi, ab dheere dheere kai jagah jaise dekha ja raha hai ki प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तेजी से, और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार है या हरियाणा की प्रांतों की सरकार है, उसको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी होगी और वो जिम्मेदारी ले भी रहे हैं। जैसे हरियाणा के अंदर मैं आपको बताऊं, एक अभी एक एक्ट पास किया है इसी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने, के हरियाणा में जो नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में भी दी जाएंगी उसमें 75% हरियाणा के रेजिडेंट्स को, हरियाणा के निवासियों को नौकरियां दी जाएंगी। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना होगा
और ये बात हमारे जो सामाजिक संगठन है, हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या जो एक्टिविस्ट है, वो सरकारों तक पहुंचाएं, और सरकारें इस बात पे ध्यान दे भी रही हैं। लेकिन एक और बात मैं कहूं कि हमें भी रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन अगर सारी फुल भी कर दी जाए, फिलअप कर दी जाए, तो भी नौकरियां 2% है मैक्सिमम, 2% ज्यादा नहीं है। हमारे ही लोग बाकी के 98% वो रिजर्व नौकरियों से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज आ रही है, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, कि हमारी जो जातियां हैं, दलित और वंचित जातियां, बैकवर्ड समाज की जातियां, ये आज भी आर्टिजन्स ज्यादा हैं, शिल्पी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो इसी इनको अपने रोजगार जो है ना कि वो डेवलप करने चाहिए। केवल सभी नौकरियों की तरफ ही भागते रहेंगे या नौकरियों की तरफ ही देखेंगे तो 2% नौकरियां हमें मिल पाएंगी अगर टोटल भी भर्ती जाए तो, वो ओवरऑल रिजर्वेशन सीट्स हैं। हमें भी अपने अपने रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी सैनिटाइज और सेंसिटाइज करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेंसिटाइज करना चाहिए कि वो, जैसे हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी हरियाणा के ही विद्यार्थियों को, हरियाणा के रेजिडेंट्स को, नागरिकों को 75% नौकरियां मिलेंगी। ये कंपल्शन, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि हरियाणा के जो बच्चे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं, चाहे वो ओपन जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, उन्हीं को नौकरियां मिलेंगी प्राइवेटाइज होने के बावजूद भी। तो ये सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, जैसे हरियाणा सरकार ने दिया है दे, और हमारा भी ये योगदान होना चाहिए। हमारा भी अपने आप को भी अंदर से हमें सेल्फ रियलाइज करना चाहिए कि हम लोग अपने कामों को, अपने रोजगारों को आगे बढ़ाएं, हम लोग अपने रोजगारों को आगे बढ़ाएं। दोनों चीजें ये साइड बाई साइड चलेंगी, साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक तरफी नहीं। अकेले हम सरकारों पर आश्रित ना हो, हमें अपने भी रोजगार, अपने आप को भी स्टैंड करना चाहिए, अपने युवाओं को भी स्टैंड करना चाहिए कि वो बहुत सारे काम है, बहुत सारे रोजगार है, वो उसमें अपने आप को ट्रेंड करें, स्किल करें। अभी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई, मैं आपको बताऊं, जो स्किल को, स्किल के आधार पर स्किल यूनिवर्सिटी है, जो विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करती है, और विद्यार्थी जो होना कि उसमें बहुत सारे नए नए टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए रोजगार के आयाम वो सीख रहे हैं, नए नए कोर्सेज, नए नए ट्रेड्स, जैसे हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे, जैसे ITI होती थी, दूसरे कोर्सेज होते थे, ऐसे ही यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर डेवलप की गई है। इससे क्या है कि विद्यार्थियों को रोजगार से अलग निकल करके अपने रोजगार धंधे स्थापित करने होंगे, नौकरियों से निकल करके अपनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपनी लगाएंगे वो, तो धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और ये बढ़ रहे हैं। जी सर, लास्ट सवाल ले लेते हैं। मोहिंदर कैंथला जी लिख रहे हैं कि आदरणीय विजय कायत जी को हमने धरातल पर संघर्ष करते हुए देखा है, उनको सुना भी है और फॉलो भी किया, उनके द्वारा कई बात को समाज में प्रचारित भी किया, लेकिन जब से वीसी बने हैं समाज में कम आते हैं, ऐसा क्यों है पूछे। देखिए क्या है कि वीसी बनने के बाद वो एक ऐसी पोस्ट रही है जिसपे आपकी ना लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दूसरे होते हैं, स्टेट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, UGC के साथ बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो मैक्सिमम आप अपना काम जो ना, अपना ड्यू अपना उस इंस्टीट्यूशन को देना होता है। इसके ऐसा नहीं है कि केवल मैं वहीं तक सीमित रहा हूं, समाज के भी हर काम में, समाज के जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है मैं आता रहा हूं, और अब समय और ज्यादा दे पाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं उस पे दूं, और मैं समाज का ऋणी हूं, समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि समाज के लोगों ने समय समय पर जहां कहीं वाइस चांसलर होते हुए भी, प्रोफेसर होते हुए भी, मेरे किसी भी काम में मुझे जब समाज के सहयोग की जरूरत हुई है तो समाज ने सहयोग दिया है, लोगों ने सहयोग दिया है, वहां भी पहुंचे हैं और यहाँ भी। सर प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी हरियाणा सरकार द्वारा डिक्लाइंड SC के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे, क्या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कहाँ नहीं बनाए जा रहे हैं अभी हरियाणा के? जी नहीं, आप ये देखिए, ऐसा नहीं है, SC के, ST के प्रमाण पत्र हर जगह बनाए जाते हैं, और अगर कहीं कोई ऐसी बात है, किसी कोई अधिकारी कोई ऐसी बात करता है, तो आज हमारे यहाँ कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है ऊपर, है ना, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, वहां तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे SDM होते हैं, DM होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, वहां तक भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो अब ऐसी बात नहीं है,
अगर इनके साथ ऐसी कोई बात हो तो मुझे ये लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं इनकी बात करूँ ना कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को या डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार को या डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो, उन तक ये बात रखी जा सकती है, ऐसा अब नहीं है। अगर है भी तो हम ये बात रखेंगे। जी जी, सूरज भान जी लिखते हैं कि आरक्षण इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, आरक्षण प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी हक के लिए है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अप्रेंटिसेस हैं या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें स्टेट के अंदर हिस्सेदारी का को प्रोविजन है, ये प्रतिनिधित्व का प्रोविजन है, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसके माध्यम से हम जो है समाज की हर इंस्टीट्यूशन में हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं, अपनी प्रगति सुनिश्चित करते हैं, और ओवरऑल जो है कि स्टेट को चलाने में, व्यवस्था को चलाने में हमारा भी उसमें हिस्सेदारी, हमारा शेयर जो है वो इंश्योर हो जाए। अब बाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं सर का, काफी एक सवाल और ले लेते हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि हरियाणा में एससी का वर्गीकरण तो सरकार ने कर दिया, लेकिन बैकलॉग इन सर्विस जॉब्स नहीं भरा सरकार के द्वारा। डॉक्टर कौशल पवार मैम, सर से मेरा सवाल है। बैकलॉग देखिए ऐसा है कि, लेकिन सर आप जवाब दें, उससे पहले अमरजीत जी को मैं ये बता दूं कि वर्गीकरण कहाँ किया, स्टूडेंट का किया है सिर्फ, शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए, जॉब्स का तो वर्गीकरण हुआ ही नहीं, सरकार ने किया ही नहीं अभी तक, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ना सर, आपने खुद बताया, तो वर्गीकरण तो हुआ ही नहीं अभी, तो सिर्फ एजुकेशन एडमिशन में, एजुकेशन में अब ये एक्ट अब बनाया है, अभी एडमिशन इसके हुए नहीं है, इस सेशन में जो एडमिशन होंगे वो वर्गीकरण के आधार पर होंगे। तो ये जानना चाह रहे हैं कि बैकलॉग इन सर्विस और जॉब्स में सरकार ने क्यों नहीं किया। देखिए कई बार ऐसा हुआ है पिछली सरकारों में भी, स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया गया है फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पीपल, ऐसा स्पेशल ड्राइव चलते रहे हैं, और इस सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक दो बार ऐसा कहा है, एक दो मीटिंगों में एक दो बार बात आई है वैसे भी, कि भाई अब जो है ना कि जो जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा और जो फिर से जो है ना कि हम मेन स्ट्रीम में आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो जैसे अब नया ड्राइव होगा उसमें सरकार जो ना समय समय पर पोस्टें निकालती रही है, और इस सरकार ने तो मैक्सिमम पोस्टें निकाली है, इस सरकार में सरकार की कोई विशेष तौर पर ये नहीं है कि भी मैं उसकी वो करना चाहता हूँ, सच्चाई ये है कि इस सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स में मैक्सिमम पोस्ट निकाली है और मैक्सिमम पोस्ट भरी जा रही है। और फिर जहां तक बैकलॉग का सवाल है, यस ये बात सही है उनकी कि बैकलॉग में भी जो पोस्टें बनती हैं वो भरी जानी चाहिए, ये सरकार तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है, हम भी इस बात को पहुंचाएंगे। जी सर, रविंदर डाडा जी पूछ रहे हैं कि 800 यूनिवर्सिटी हैं आपने बताया, लेकिन देश में, विश्व में टॉप में तो एक भी नहीं आती, जो 800 यूनिवर्सिटी है लेकिन विश्व में तो एक भी टॉप में नहीं आ रही 800 में से। नहीं ऐसा नहीं है, अब हमारी यूनिवर्सिटीज जो है ना कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब आ रहे हैं, जैसे IITs हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ IITs हैं, वो जैसे IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, अहमदाबाद है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो अब जो है ना कि अच्छा कर रहे हैं, उनके रिसर्च जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है, और अब पिछले दो तीन वर्षों में काफी प्रोग्रेस है, काफी अच्छे लेवल की इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च हो रही है, JNU ने दोबारा फिर वही ग्रेड हासिल किया है। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कई यूनिवर्सिटीज के रिसर्च अच्छी है। जी हाँ, सुरेश द्रविड़ हमें लगातार सुन रहे हैं, सुरेश भान जी का भी लगातार इसी के ऊपर यही कहना है कि एक तरह से कैटेगराइजेशन करने से फूट डालने वाली बात है, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब हम लोग इतने समझदार हैं कि हम अपनी चीजों को खुद देख सकते हैं। ये मुझे लगता है बार बार इसी के ऊपर सवाल उठाना कि आप लोग तो सरकार का ही काम आसान कर रहे हैं, इसमें अगर कोई हक अपने लिए कोई मांग रहा है, अगर महिलाएं अपने लिए रिजर्वेशन मांग रही है 33% आरक्षण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी नामुद। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के जो कमजोर से कमजोर तबके हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित रह गए हैं, जो विकास की प्रक्रिया में सबसे पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाना, चाहे उनको रिजर्वेशन दिया जाए, चाहे रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दिया जाए, या कोई और भी प्रोविजन किया जाए, वो किया जाना चाहिए,
और वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम उसको देखना चाहिए। ये सवाल फूट डालने का नहीं है, ये बात तो अगर आप रिजर्वेशन देखें तो अपर कास्ट के लोग जो स्वर्ण जातियों के लोग हैं और जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो भी ये बात कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का जो प्रोविजन रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि समाज सभी को अवसर मिले, सभी को समान अवसर मिले। ये हमारे यहाँ ही नहीं स्कीम है, ये अमेरिका में भी स्कीम है। अमेरिका में भी आप देखें कहीं कहीं पर भी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई, इवन फिल्म इंस्टीट्यूशन के अंदर भी देखें तो वहां ब्लैक वर्सेस व्हाइट का है, तो ब्लैक्स को भी जो उनके वहां सीटें रिजर्व की जाती हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। तो ये कोई नई स्कीम नहीं है। और हमारे यहाँ तो भारत में तो 1926 से ये रिजर्वेशन की स्कीम आ गई थी, जैसा आपने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था 1926 में रिजर्वेशन का प्रोविजन आ गया था और बाबा साहब ने तो उसको एक आगे एक्सटेंड किया था। और इसी से हमारे समाजों की जो वंचित समाज है, दलित समाज है, कमजोर तबके हैं, वो आगे आए हैं। ये उनको आगे लाने का एक बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल उचित मार्ग है, उचित रास्ता है, और हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा सर। लास्ट सवाल लेते हैं, अब बहुत सारे सवाल हैं, मैं तमाम दर्शकों से माफी चाहूंगी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में सर को बहुत सारे सारे सवालों को समाप्त करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, जितना स्क्रीन पे आ रहा है मैं उसी को देख पा रही हूँ। लास्ट लेकिन ले लेते हैं, पवन कुंदल जी लिखते हैं, वी आर फेसिंग नाउ इट इज दैट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स कैप्ट सेपरेट चेक्ड सेपरेट copies are checked separate ensuring that should not get marked more than I'm not getting your point please would you repeat it applications are being invited from the reservation categories for what kiske liye separate checking sir separate checking checking alag se honi chahiye ye kehna cha rahe hain nahi main samajh nahi pa raha ye keh rahe hain ki ek problem face kar rahe hain एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है रिजर्व कैटेगरी के लिए और चेक होती है अलग से उनकी उसके बाद इंश्योर हो दैट शुड नॉट गेट मार्क्स मोर देन द कैंडिडेट इन ओपन मेरिट, मतलब वो मार्किंग उसकी ओपन मेरिट में आए। देखिए देखिए ऐसा है, उसको नंबर मिले। देखिए मैं आपको कहूँ, इनका इनकी ये शंका है इनकी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, आज भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर तक भी रहा हूँ। जब एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती है किसी भी पोस्ट को भरने के लिए या एडमिशंस के लिए, आइदर एडमिशंस के लिए या वहां अगर किसी को कोई लगता है, तो अब आरटीआई का प्रोविजन है, आप आरटीआई में अपने बारे में अप्लाई कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मेरे मुझे जो अवार्ड नंबर दिए गए हैं या मेरी जो मेरिट बनाई गई है या मेरे जो वेटेज बनती थी वो मेरे को सभी नंबर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, या मेरा पेपर जो चेक हुआ है या मेरे को जो अवार्ड्स दिए गए हैं क्या उनके साथ ऐसा हुआ है। तो अब तो आरटीआई का प्रोविजन है, अब हर आदमी सजग है, सचेत है, और बच्चे जो होने के विद्यार्थी या एप्लीकेंट्स जो प्रार्थी होते हैं वो आरटीआई लगाते भी हैं, और कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता है कि जो कि किसी कास्ट बेस पर, कास्ट को लेकर के किसी को नंबर कम दे दें या किसी के नंबर लगते थे, अवार्ड दिए जाने थे या मेरिट दी जानी थी या वेटेज दी जानी थी, वेटेज से किसी को वंचित कर दिया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो वो फंसते भी हैं, ऐसी संभावनाएं अब नहीं है। जब से देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, आरटीआई आया है, इस तरह की संभावनाएं नहीं है, ट्रांसपेरेंट है सारे के सारी। अगर कहीं कोई ऐसा होता भी है तो ये जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेशन करने वाला, ये अप्लाई करते हैं, उनकी कंप्लेंट होती है कंसर्न्ड अधिकारी की जो ऐसी करता है, और उसको सजा भी मिलती है। तो अब तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, जाते रहे हैं। मैं देखता हूं कि अब आरटीआई एक्टिविस्ट जो है ना, कि उन्होंने इस सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया, ऐसी संभावनाएं अब बहुत कम है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर ऐसा उनको लगता है तो वो आरटीआई में जाकर के अपनी अपनी एप्लीकेशन निकलवा सकते हैं, कितने अवार्ड दिए हैं, कितने मार्क्स दिए हैं, या कितने, जहां तक एग्जामिनेशन की कॉपीज हैं, एग्जामिनेशन की कॉपीज, देखिए एग्जामिनेशन की जो कॉपीज होती है, आंसर बुक होती है, उस पर कहीं किसी को नहीं पता होता, उनके जो फोलियो होता है ऊपर से वो बाकायदा हम निकाल देते हैं, फिक्टिशियस नंबर लगे होते हैं, किसी को ये नहीं पता होता कि ये किस बच्चे की कॉपी है, किसकी
तो जो जांचने वाला टीचर है या एग्जामिनर है उसको नहीं पता होता, इसलिए इस बात में तो कोई तथ्य नहीं है। जहां तक एप्लीकेशन सर्विस की है, एडमिशंस की है, वहां आप आईटीआई में जा सकते हैं। और यहां तक कि एग्जाम में भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, अभी पिछले दिनों कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के आधार पर उनका लेकर निकला इंटरव्यू में उनको कितने नंबर दिए गए, एक तो एक एक तरह से पारदर्शिता है। सर एक एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। जी जी जी। एक छात्र जी कहते हैं कि सरकार भूल गई कि दलितों को प्राचीन समय से आज तक समाज ने अस्पृश्य मान रखा है और आज आरक्षण का सवर्ण विरोध करते हैं। दलितों को आज भी कई जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि एससी एसटी के लिए और अधिक सख्ती से कानून बनाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण बन सके। अगर सफाई कर्मी शहर गांव की गंदगी साफ करना छोड़ दे तो सभी जगह महामारी और रोग फैल जाएंगे और समाज उन्हें आरक्षण से भी वंचित करना चाहता है। संविधान में एससी एसटी प्रावधानों में और सख्ती से संशोधन किए जाना चाहिए। ऐसे में सर आपका देखिए इनमें इस एक प्रश्न में ना बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है इस एक प्रश्न के अंदर। मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा अब नहीं है, अब अनटचेबिलिटी मैंने शुरू में कहा था वो कम हुई है, अस्पृश्यता कम हुई है, जाति व्यवस्था भी कम हुई है पहले की तुलना में। आप ये देखें आजादी के समय से लेकर के अब तक अगर आज के आप आंकड़े उठा करके देखें तो निरंतर कम हो रही है। उसके पीछे शिक्षा का योगदान है, उसके पीछे रिजर्वेशन का योगदान है, उसके पीछे जो वोट की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि भी सभी वन मैन वन वोट वन वैल्यू, जो डेमोक्रेसी के अंदर सभी का एक मत है, एक वैल्यू है सभी की, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा संविधान है, संविधान में दिए गए प्रोविजंस हैं, बहुत सारे स्ट्रिंजेंट एक्ट्स बनाए गए हैं, स्ट्रिंजेंट एक्ट्स, तो उन एक्ट्स के तहत लोगों को सजाएं भी होती हैं। अभी आप देखेंगे पीछे से इस एक्ट को एससी एसटी जो एक्ट है उसको डाइल्यूट किया गया था, लेकिन बाद में पूरे देश में लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने एजिटेशन किया और फिर से उसको और मजबूत बनाया गया है सरकार के अंदर। तो अब हाँ अनटचेबिलिटी है, मेंटल अनटचेबिलिटी है कई जगह पर देखने को मिलती है, फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, यस सही बात है, लेकिन कम है पहले से। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमें सजग रहने की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट्स को और ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और ये सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चैनल्स आप जैसे जो संगठन के लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो चैनल्स वो काम कर रहे हैं, और स्टेट समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारा सकारात्मक दृष्टिकोण से काम किया। जैसे मैंने आपको बताया हमारी हरियाणा सरकार ने आज पिछले 4-5 वर्षों में, आप ये बताइए कि आपको मीडिया में काम करती है, कोई बड़ी ऐसी इंसिडेंट, कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई है कि जो जिस पर ये कहा जाए कि ये कास्ट को लेकर के एट्रोसिटी है। हाँ कहीं कहीं दिखाई देती है इक्का दुक्का इंडिविजुअल्स के साथ, और वो भी उस तरह की नहीं है, मैं ये एडमिट करता हूं कि अभी भी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी का स्वरूप है, लेकिन उसकी उसकी डेंसिटी कम हुई है, उसकी उसकी मार्क क्षमता कम हुई है, उस पर अभी भी काम करने की जरूरत है। संविधान में सारे प्रोविजंस हैं, एक्ट अवेलेबल हैं, और कमीशन हैं हमारे, एससी एसटी कमीशन है ऊपर, हरियाणा सरकार ने भी अभी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है और अभी इसकी उसका उसका संरचना पूरी हो जाएगी, तो समय समय पर ये सब चीजें आ रही है, फिर भी हमें सजग रहने की जरूरत है और निरंतर काम करने की जरूरत है, सरकारों को भी काम करने की। जी जी सर लास्ट क्वेश्चन हैव यू एवर डिस्क्रिमिनेटेड एज ए स्टेटस इनइक्वालिटी स्टेटस एज ए वाइस चांसलर एज ए प्रोफेसर, क्या कभी लगा आपको कि स्टेटस इनइक्वालिटी भी है कहीं ना कहीं? स्टेटस में इनइक्वालिटी असमानता मान लीजिए आप प्रकाश मैं वाइस चांसलर, ऐसा है, ऐसा है अभी भी समाज में है, लेकिन क्या है कि ये मैंने आपको बताया मानसिकता में जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, मानसिकता में अनटचेबिलिटी है आज भी है, लेकिन वो कुछ लोगों में है, जो पुरानी
जो फ्यूडल मेंटेलिटी के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, उनमें अभी कुछ है, कहीं कहीं है, और सामने से नहीं करते हैं। जब आप इतने बड़े पोस्ट पे जाते हैं जहां आप फैसले लेते हैं और उनको स्टेट गवर्नमेंट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इतनी बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये, वाइस चांसलर की पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, हम फैसलों को एग्जीक्यूट करते हैं, पावर आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसी बीमार मानसिकता के लोग हैं, मैं उनको बीमार मानसिकता कहता हूँ, जो फ्यूडल दृष्टिकोण से, सामंतवादी दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो जरूर उनके अंदर ये है, और वो अब कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। मैं उसका खुद भी फेस करता रहा हूँ, ऐसा है, और इसमें अभी भी काम करने की जरूरत है, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की जरूरत है। संविधान जो है बहुत काम कर रहा है, ये संविधान बहुत ही मार्वेलस काम कर रहा है, ये संविधान सामाजिक क्रांति लाने का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस संविधान से बहुत सारी चीजें बदली हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे काम किए हैं, इन सरकारों ने बहुत काम किए हैं, हमारे सामाजिक संगठनों ने बहुत काम किए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत काम किए हैं, समय समय पे जैसे अब नए एक्ट आ गए, RTI आ गया है, उसने बहुत काम किया है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत बदलाव आए हैं, एट्रोसिटीज कम हुई है, डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, लेकिन अभी भी है, और ये निरंतर और आगे कम होगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हजारों सालों की इस बीमारी को, इस समस्या को हम बहुत कम समय में, अभी 70 साल 75 साल का समय है, एक कम समय में हम खत्म नहीं कर सकते हैं, ये खत्म होने की दिशा में है, चेंज है, समाज में बदलाव है, खत्म होने की दिशा में है कास्ट कंटेसिबिलिटी, लेकिन अभी इस पे और काम करने की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का, सभी का, समाज के लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो नाइस सर।